आदमी बदल सकता है, बदल सकता है निजाम को, आवाम को, समाज को। रोक सकता है करप्शन को, महंगाई की यलगार को, नाइंसाफी को। एक आम आदमी सब बदल सकता है, एक आम आदमी सोच सकता है रोशन मुस्तकबिल को, मुल्क की तामीर को, तरक्की के रास्तों को। सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ बदल सकता है। जब खबर आम हो, जब खबर आवाम हो, और दुनिया हो आपकी। रोजनामा दुनिया, खबर की दुनिया। इस प्रोग्राम को शामदीद कहते हैं, मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में इस वक्त नए सूबों की बहस चल रही है। पंजाब जो है सो फोकस में है, कोई कहता है जनूबी पंजाब का एक सूबा होना चाहिए, कोई कहता है जनूबी पंजाब और बहावलपुर दो सूबे होने चाहिए, कोई उससे ही बढ़ के जो है हज़ारात तक सूबे की बात करता है, कोई डेरा इस्माइल खान को भी इसमें शामिल कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है जो हमें लगा वो पता चला वो ये कि जब हम दही इलाकों में गए पंजाब की, यानी कि खासतौर पर जनूबी पंजाब के दही इलाकों में, तो हमने वहाँ जाके देखा कि बड़े बड़े स्टॉलवर्ट पॉलिटिशियन, खा वो मुल्तान के हों, मुजफ्फरगढ़ के हों, डेरा गाजी खान के हों, या वो झंग के हों, वहाँ के लोगों की हालात जो हैं, जो वहाँ के आम लोग हैं, तालीम से लेके हेल्थ तक, वो इतने बुरे हैं कि शायद शहरों के जानवर भी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हों जितने इन दही इलाकों के, इन बड़े बड़े जनूबी पंजाब के दही इलाकों के लोग गुजार रहे हैं। वहाँ की बेसिक हेल्थ यूनिट्स के अंदर डॉक्टर्स नहीं हैं, अगर हेल्थ यूनिट खुला हुआ है तो वहाँ पर गलाजत और जानवर बने हुए हैं, स्कूल्स की दीवारें और छतें नहीं हैं, असातज़ा नहीं है, और वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ के MNAs और MPs जो हैं, जो वहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं, सरदार भी हैं, गद्दी नशीन भी हैं, उन्होंने जान पूछ कर इस शऊर को रोका हुआ है पिनपने से, ताकि लोग जो हैं उनके बराबर आकर वोट अपने शऊर के हिसाब से ना दें। तो सूबे 5 बन जाएँ, 6 बन जाएँ, 7 बन जाएँ, अगर इन लोगों की तकदीर नहीं बदलनी तो ये लोग तो रहेंगे रियाया और बाकी के लोग रहेंगे हाकिम, तो उसका क्या फ़ायदा है। और उससे बढ़ के फिर पंजाब असेंबली में जो डिबेट शुरू हुई तो सवाल ये उठा कि इतने अहम इशू के ऊपर, जिसके ऊपर एक कमीशन बनाया जाना था, उसके ऊपर बजाय डिस्कशन होने के, कमीशन के बनने पे यहाँ पे गैर महजब तरीका अपनाया गया। पंजाब असेंबली के विजुअल्स आपके सामने हैं, इससे पहले भी आप देखते आ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दी गई, एक दूसरे को पागल कहा गया, एक दूसरे के ऊपर हमले करने की कोशिश की गई। ये महजब ममालिक की पार्लियामेंट में शायद इस तरह नहीं होता। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है जो लोग मौजूद हैं वो मैटर करते हैं इस इशू के ऊपर, पाकिस्तान के जो गरीब हैं, दही इलाकों के लोग हैं, उनको बेसिक ह्यूमन राइट्स कब मिलेंगे, क्या सूबों की तकसीम उनके लिए कुछ कर सकती है, और पंजाब असेंबली जैसी पार्लीमान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्लीमान है सूबों की पॉपुलेशन के हवाले से, वो कब महजब होगी। मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, किस तारुफ के मोहताज नहीं, तजिया निगार हैं, आप इनकी कॉलम्स पढ़ते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर कानून राणा सनाउल्लाह साहब, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑब्वियसली पंजाब गवर्नमेंट को, मुस्लिम लीग नून को सूबे की हद तक, राजा रियाज साहब मौजूद हैं, अपोजिशन के मेन लीडर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अगर राजा रियाज साहब के पास चलो, राजा साहब सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं दही इलाकों की सियासत पर आऊँ और वहाँ के बदहाली पर आऊँ, आपके बयान मेरे सामने पड़े हैं, इतनी इंपॉर्टेंट सीरियस डिबेट पंजाब असेंबली के अंदर हो रही है सूबों की डिवीजन के हवाले से, पंजाब की डिवीजन के हवाले से, आपने जो है वो स्पीकर को कहा कि वज़ीर आला पंजाब जो है उनका इलाज कराया जाए, तो सर ये कोई बड़ा मोहतात रवैया है, पार्लिमानी रवैया है कि बजाय फोकस हो सूबों की तकसीम पे बात चली गई जातियात के ऊपर। राजा रियाज साहब जी शुक्रिया। शाहिद साहब बात इस तरह है कि आपने अभी ही जो बात हम करते हैं उसकी तस्दीक कर दी है कि जनूबी पंजाब के अवाम बुरी तरह जो है मसाइल का शिकार है और उनको बुनियादी जरूरतें मुयसर नहीं है जो कि लाहौर में और दूसरे बड़े शहरों में मुयसर है। तो ये वजह ही जनूबी पंजाब के सासे मरूमी की जो शुरू हुई है वो तख्ते लाहौर की जो ज्यादती जुलम और वन मैन शो और जो उनके फंड्स लाहौर में खर्च किए जाते हैं। देखें शाह साहब, अभी तक सिर्फ लाहौर के किसी पंजाब के शहर में कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू नहीं है और लाहौर में 200 के हिसाब से मेगा प्रोजेक्ट शुरू है, बल्कि जनूबी पंजाब के अवाम ये कहते हैं कि जब हम लाहौर में आते हैं तो लाहौर की सड़कों से हमें अपनी फुट्टी की खुशबू आती है।
तो इस वजह से ये जनूबी पंजाब का नारा चला। फिर पंजाब असेंबली में मुतफिका तौर पर एक दो रेजोल्यूशन पास किए गए, एक ये कि बावलपुर स्टेट को सूबा बनाया जाए और एक जनूबी पंजाब को सूबा बनाया जाए, और वो मुतफिका तौर पर हुए। वो हमने वफाक को भेजे, वो सदर साहब के पास गए, सदर साहब ने सिर्फ लेकिन सर ये गैर महजब जबान का इस्तेमाल की। राजा साहब आपकी सरकर्दगी में, आप तो बड़े महजब पॉलिटिशियन है, आपने ये कह दिया जी जेनी जेनी हालतें ठीक नहीं वजीर आला की, मतलब ये तो सर बड़ी गैर महजब लैंग्वेज है ना राजा साहब। इसका मैं जवाब देता हूँ कि वजीर आला पंजाब जो है, जो उन्होंने पिछले चार साल में डिलीवर किया है, उससे ये आम आदमी महसूस करना शुरू हो गया है कि ये दिमागी तौर पे दुरुस्त नहीं है। मैंने एक सिर्फ बोर्ड बनाने की, स्पीकर साहब को मेडिकल बोर्ड बनाने की दरखास्त दी है कि चेक किया जाए कि ये जो तासर है कि ये मेंटली अपसेट है, क्या ये सही है या गलत है। अगर सही है तो ये काम करे, और अगर सही नहीं है तो इनको इस सीट से हटाया जाए, क्योंकि करोड़ों आवाम की जिंदगियां वाबस्ता है इनके चीफ मिनिस्टर के फैसलों से रिलेटेड। देखे जाली दवाइयों पर इन्होंने गलत फैसला किया, कई लोग मरे। डेंगू पे इनके गलत फैसलों की वजह से कई लोग मरे। बोर्ड के गलत नतीजे, इम्तिहानात के गलत नतीजे की वजह से बच्चों ने खुदकशियां की। इसी तरह आप अभी कह रहे हैं कि जनूबी पंजाब के इलाकों में स्कूलों में छते नहीं है। अच्छा राजा साहब एक मिनट, अच्छा मैं जाऊंगा राणा साहब के पास, लेकिन राजा साहब मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो मैंने जनूबी पंजाब की बात की उसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून के हल्के शामिल नहीं है, उसमें हिना रमानी खर साहबा का हल्का भी शामिल है, उसके अंदर अगर हम आगे जाए तो मखदूम फैसल हयात का भी हल्का शामिल है। मैं ये कह रहा हूँ ना, सिर्फ वो एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, एमपीएमएनएस की भी है जी। पूरे शायद साहब पूरे जनूबी पंजाब में सख्त तरीन महरूमियां है, सख्त तरीन उनके साथ राइट हो रहा है, किसी एक हल्के राणा साहब ठीक है, इसीलिए लोगों ने आवाज उठाई। राणा साहब ये जो इन्होंने जो कुछ कहा है उसको तो आप खुद रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, लेकिन मेरा जो आपसे बुनियादी सवाल ये है कि चले इन्होंने अगर कह दिया वज़ीर आला पंजाब को इनकी बात भी गलत है, अगर इन्होंने मेडिकल बोर्ड की मुतालिक जो भी गुफ्तगू की, आपने उससे भड़के जो है वो फिर कह दिया कि सदर जरदारी साहब जो है वो जहनी आर्जे में मुबतला है, तो सर डिबेट हो रही है पंजाब की तकसीम के ऊपर, जिसको आप भी कहते होनी चाहिए, चाहे आपकी डिफरेंट परसेप्शन है बोर्ड को लेकर, और अब पहुँच गए आप जरदारी साहब के जहनी आर्जे तक, तो राणा साहब ये कोई बात अजीब सी नहीं लगती आपको? देखें कामरान साहब, बात ये है कि यानी पार्लियामेंट में या असम्बली में जो बहस होती है जी, वो बहस जो है उसकी बुनियाद जो है वो अपोजिशन जो है वो फ्राहम करती है, क्योंकि अपोजिशन ने गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो तनकीद करनी होती है अपनी तकारीर के ज़रिए से। अब उसमें यह है कि अगर अपोजिशन लीडर का ये हाल हो कि वो बजट के ऊपर जो है वो 3.5 मिनट की स्पीच करे और इतने अहम इशू के ऊपर जो है वो कोई बात करने की बजाय जो है वो यानी अपने मुखालफ या अपने काउंटर पार्ट जो कि कायदे ऐवान है, जिस ऐवान के वो कायदे इसमें खिलाफ हैं, उनकी ज़हनी कैफियत की बात करें, तो फिर यकीनन जो है ये सियासत है, ये यानी असम्बली है, तो इसमें जो बात होगी उसका रिस्पॉन्स जो है वो तो आएगा। अब मैं आता हूँ जो मेरे मोहतरम कायदे इस पर खिलाफ़ राजा रियाज साहब ने बात की है जनूबी पंजाब के हवाले से। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनूबी पंजाब शुरू कहाँ से होता है? क्या मुल्तान जो है वो जनूबी पंजाब में आता है या नहीं आता? क्या जो अरबों रुपए की जो अपना वहाँ पे डेवलपमेंट सो कॉल्ड हुई है, यानी अरबों करोड़ों रुपए के ठेके दिए गए और उसमें से अपना हिस्सा लिया गया और इतना नाकस वो काम हुआ कि अभी ख़त्म बाद में हुआ और पहले ही जो है वो उखड़ा पड़ा है, तो ये जो है ये मुल्तान में किसने अरबों रुपया खर्च किया, किसने अरबों रुपए की डेवलपमेंट की, और वो डेवलपमेंट जो है उन्होंने सही तरीके पे क्यों नहीं की? उसको पूरे यानी मुल्तान डिवीज़न में और पूरे जनूबी पंजाब में, जिस जनूबी पंजाब के ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो हमदर्द बनते हैं और हमदर्दियाँ समेटना चाहते हैं, तो इन्होंने वहाँ पर क्यों नहीं जो है वो डिवेलपमेंट जो है वो सही तरीके से की? और वज़ीर आज़म साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने यानी 50-50 करोड़ रुपए जो है वो अपने एमएनएस को दिया है, और जो 47 हल्के हैं कौमी असम्बली के जनूबी पंजाब में से, ये खुद राजा साहब बताएं कि उनमें से कितने इनके हैं, वो करोड़ों रुपए कहाँ पे गया? यानी वो आप देख रहे हैं इनके इल्जाम का जवाब आप ने क्या किया जी? बात यह है कि हमने ये किया कि हमने मुल्तान में और डेरा गाजी खां में
जो है वो मेडिकल कॉलेजेस बनाए, वहाँ पे जो हॉस्पिटल उनमें तौसी की, वहाँ पे जो है वो दान स्कूल बनाए ताकि उस इलाके की जो है वो नस्लों का जो है वो मुस्तकबिल। लेकिन राणा साहब, राजा रियाज साहब ये भी तो कह रहे हैं ना कि आपकी हुकूमत ने जाली अदवियात पे पूरी डेवलपमेंट की है और सैलाब में जिस तरह से रिहैबिलिटेशन पंजाब, राणा साहब मेरी बात तो सुन लेना, मैं ये कह रहा हूँ आपने सब कुछ कह दिया, पंजाब ने की है ये सब तो आपने कह दिया, आपने ये आपने किया क्या इस वक्त कि मैंने आपके साथ में राजा रियाज साहब ने आपके इलाकों की पसमानदगी रखी, आपने उसका जवाब बजाय अपनी परफॉर्मेंस बताने के आपने इनकी बुराइयां बता दी मुल्तान की, तो सवाल तो सर वही स्टैंड करता है। मैंने अपनी परफॉर्मेंस भी बताई है लेकिन ये परफॉर्मेंस जो है ये अपना कामरान शाहद आप ये देखें ना जी के चार सालों में हमने पांच बजट दिए है ना, पांच बजट हमने इन यानी साढ़े चार सालों में दिए हैं, उनमें से तीन तो इनके साथ मिलकर दिए हैं, उन तीनों को तो जिस कैबिनेट ने अप्रूव किया वो कैबिनेट में राजा रियाज साहब बतौर सीनियर मिनिस्टर बैठे थे। ये तो इनकी लेकिन राणा साहब मेरी तसल्ली के लिए एक बात बता दें, तीन साल बाद मेरी तसल्ली के लिए एक बात बता दें, क्योंकि आप एक सूबे के बहुत बड़े सूबे के वजीर कानून है कि जो आप जरदारी साहब के मुतालिक ज़हनी आरज़ा वगैरह गुफ्तगू करते हैं ये सिर्फ लफ्जा लफ्जी होती है ना उस वक्त की कि आप बिलीव करते हैं इस बात पर। देखें मैं यानी इन्होंने तो खैर वो यानी लफ्जी तौर पर बात की लेकिन जो हवाला मैंने दिया है वो रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, क्योंकि जब जरदारी साहब के खिलाफ केसेज चल रहे थे तो जरदारी साहब ने ये सर्टिफिकेट जो है ये खुद पेश किया था, अब उन्होंने इसको फिक्टिटियस बनवाया था या ओरिजिनल था इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। राइट तो राजा रियाज साहब फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये असल डिबेट पंजाब असेंबली में नहीं होती, ये मैसेज हम डिलीवर करते हैं पिछले चार साल से करते आ रहे हैं, वहां पर कुर्सियां चलती हैं इशूज के ऊपर नहीं, आप वज़ीर-ए-आला पंजाब पे इल्जाम लगाते हैं ज़हनी आरज़े का, ये आपके प्रेसिडेंट पे लगा देते हैं, तो असल लेजिस्लेशन तो पंजाब पे नहीं हो रही, तो राजा रियाज साहब आप भी बीइंग ऑपोजिशन लीडर उतने ही जिम्मेदार हैं इस गैर जिम्मेदारी के जितने के शायद राणा सरोला साहब या हुकूमत पंजाब है इस वक्त। जी राजा साहब जी शाहिद साहब मैंने वजीर कानून पर इल्जाम नहीं लगाया, मैंने वज़ीर-ए-आला पंजाब पे इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि मैंने पिछले चार साल की उनकी जो कारकर्दगी है उसको सामने रखते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली को बकायदा एक एप्लीकेशन दी है और उनसे ये दरखास्त की है कि आप इस पर बोर्ड बनाए। ये मेरा बतौर मेंबर पंजाब असेंबली और बतौर सूबे के शहरी होने के नाते अगर मैं ये महसूस करूं कि इस सूबे के वजीर आला की दिमागी तोज़न जो है वो अपसेट है तो ये मेरा राइट बनता है कि मैं स्पीकर को एप्लीकेशन दूँ, स्पीकर साहब का फर्ज बनता है कि वो बोर्ड बनाए और इसका चेकअप करा ले। क्या अर्जे चेकअप कराने में अगर खुदा न खास्ता जो बात मैं कर रहा हूं अगर वो सही हुई तो जो सूबे के 8 करोड़ आवाम है उनकी जिंदगियां जिस तरह पिछले 4 साल में, ये लगता नहीं कि बड़े जातियात पे और इंसल्टिंग है एक ऐसे सूबे के वजीर आला को के मुतालिक ये बात करना कि जो ऑब्वियसली 4 साल से काम कर रहे हैं। अगर बोर्ड के हम इम्तिहान देने वाले बच्चे खुदकशियां करें, अगर डेंगू से लोग मर जाएं, अगर जाली दवाइयां अस्पतालों में मिल रही हो, अगर लाखों बच्चे जो वो दरख्तों के नीचे पढ़ रहे हों और उसी इलाके के 100 बच्चे जो हैं वो दानिश स्कूल में पढ़ रहे हों तो फिर मैं क्या सोचूंगा। राइट चोरी में 25% इजाफा हो रहा है, सूबे में वन मैन शो, कैबिनेट मुकम्मल ना हो, कैबिनेट के मेंबरान राजा साहब एक बात बताऊं मैं, राणा सरोला साहब तो अपनी टर्न पे बात करेंगे, ये जो आपने सारी बातें बताई हैं ये उनकी एफिशिएंसी या गवर्नेंस पे तो आप डिबेट कर सकते हैं लेकिन इसकी बेस के ऊपर ये कहना 4 साल बाद के जी वो वज़ीर आला जो है उसका उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए, सर ये थोड़ी सी नॉन सीरियस बात लगती है, लोगों ने तासुर है। मेरी बात सुन ले जी, एक मिनट आखिरी मेरी बात सुन ले जी जी बताएं। बात यह है कि वन मैन शो है, किसी कैबिनेट के मेंबर के पास कोई इख्तियारात नहीं है, सिर्फ एक सूबे को आदमी चला रहा है उसका नाम डॉक्टर तौकीर है। मैं माजरत के साथ अपने भाई राणा सनाउल्लाह साहब, इनके पास मेरे पास, मैं सीनियर मिनिस्टर था, मेरे सेक्रेटरी को यह हिदायत थी कि कोई काम राजा रियाज का आपने इनके कहने पे नहीं करना, जो डॉक्टर तौकीर का ही कहना है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो वजीर है और कैबिनेट नहीं मुकम्मल की जा रही, गवर्नर के साथ नहीं उनकी बनती, सलमान तसीर साहब से राणा सरोला साहब से एक बात बताए, सारे शोबे जो है 4, 5, 6, 7 वजीर साहब ने अपने पास क्यों रखे हुए हैं, क्या कैबिनेट में कोई काबिल बंदा नहीं है सर, ये सवाल तो सब उठाते हैं जी। इसमें कामरान साहब एक तो मैं आपकी भी और मोहतरम कायदे इस पर खिलाफ की इतला की दर्ज कर दूं कि कुछ मेंबर्स ने कल एक एप्लीकेशन जो है वो स्पीकर साहब को जमा करवाई है, तो उनका ये कहना है कि राजा साहब की इस हरकत पे हमें ये शक है कि उनका ज़हनी तवाज़ुन जो है वो बिगड़ गया है,
तो इसलिए इनका जो है वो मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अच्छा। तो मेरा ख्याल है कि राजा साहब पहले अपना मेडिकल चेकअप करवा लें, तो उसके बाद फिर जो इनका मुतालबा है उसके ऊपर भी जो है वो गौर हो जाएगा। जी बिल्कुल, आप आ जाइए इस बात के ऊपर के शायद साहब कामरान साहब। जी जी जनाब, आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बोर्ड बनाए हो, बोर्ड बनाए, चीफ मिनिस्टर का भी कराए, मेरा भी कराए, मैं तैयार हूँ। बस लो जी, अपने हद तक तो आप तैयार हैं। आप पहले पहले देखे जी, ये इन्होंने तो आप रहा कामरान साहब, ये आपके सामने लोग आपके प्रोग्राम में इससे पहले दोबारा वापस वापस नहीं लौटते। नहीं, पहले तो आपको कराना पड़ेगा। चलो राजा साहब, आप करा ले, आप तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कैबिनेट के। राजा रिया साहब मेरी एक बात सुनिए, आपने राजा रिया साहब मेरी एक बात, आपने राजा साहब एक मिनट, एक मिनट कामरान साहब, राजा साहब एक मिनट की बात, मैं उसका जवाब दे दूं। अरे मेरी बात तो सुन लेना, आपको जवाब का पूरा मौका है। राजा रिया साहब, अब ये बात है क्योंकि आपने ये प्रूव किया अपनी एलिगेशन से कि आपको ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशन है आपकी लोगों के मुतालिक जानने की, कौन मेडिकली ठीक है ठीक नहीं। सबसे पहले सर अपने करा लें ताकि ये शक तो ना रहे कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो फॉल्टी है आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर। बिल्कुल दुरुस्त है जी जी, मेरा जवाब बड़ा वैलिड आर्गुमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, मेरा जवाब सुन ले। मैंने एप्लीकेशन पहले दी है। अच्छा। पहले स्पीकर बोर्ड बनाए, चीफ मिनिस्टर का चेकअप कराए, इसके बाद इनकी दरखास्त पे मेरा करा ले, मुझे कोई इतराज नहीं। राणा साहब जवाब दे दें, मैंने ब्रेक लेनी है, फिर हरोशी साहब के पास जाना जल्दी से। जी देखिए, बात यह है कि जहां तक आपने कैबिनेट की बात की है, देखिए कैबिनेट जो है ये कामरान साहब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इस वक्त यानी मुशीर और वजीर मिला के तकरीबन 20 लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 72 वजीर हों तो फिर ही सूबा या मरकज जो है वो सही चल सकता है। इससे पहले हमने 82 वजीर रख के जो है वो देखे हुए हैं, और मरकज में इस वक्त भी इतने हैं, और वहाँ पे अगर कोई बहुत अच्छा काम हो रहा है तो हम बिल्कुल ठीक है। कफायत शारी के लिए आप ये कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं समझते कि 20 से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। लेकिन जब ब्रेक से वापस आऊँगा तो ये दो भी साथ होंगे लोग, मेरे पार्टिसिपेंट्स मौजूद और साथ हारून रशीद साहब भी होंगे। और बुनियादी सवाल ये होगा, एक तो ये सूबों की डिबेट के ऊपर जो है कमीशन का मामला इल्तवा का शिकार क्यों है, क्योंकि दस्तूर में क्लियरली लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा। और पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और पीपल्स पार्टी हुकूमत परफॉर्मेंस पे हारून रशीद साहब का एक तजिया भी लेंगे। व्यूअर्स प्रोग्राम वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम द्वारा खुश आमदीद कहते हैं। बात ऑब्वियसली जिस तरह के मुल्की सियासत में बात चल रही थी सूबों की तकसीम पर, और बात चलेगी जहनी तौर पे कौन सही है कौन गलत है, इस प्रोग्राम में भी ऐसा हुआ है। लेकिन मैं दोबारा फोकस की तरफ आते हुए हारून रशीद साहब को मधु करता हूँ। हारून साहब, सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बात कर लेते हैं। दही इलाकों में तो मैं खुद देख के आया, उस पर भी कमेंट नहीं। शहरों में जो है राजा रियाज साहब की बात में कोई सब्सटेंस है? वो कह रहे जी काम ही कुछ नहीं हुआ, या काम हुआ तो लाहौर की हद तक हुआ है। आप एग्री करते हैं इस बात से? आपको इस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, सियासतदानों को गुफ्तगू में मोहतात रहने चाहिए। बाज़ ऐसी बातें ये कहते हैं जो बहुत तकलीफ़ दे हैं, इसके मानी इन्हें मालूम नहीं है। ये तख्त लाहौर से क्या मुराद है? इनको मालूम है कि लाहौर क्या है? लाहौर दाता गंज बख्श का अली बिन उस्मान हजवेरी का शहर है, ये अलामती तौर पे मैं नहीं कह रहा हूँ। वाक्या ये है कि हजरत अली हजवेरी से पहले लाहौर शहर का कोई वजूद था ही नहीं, था ही नहीं। ठीक, एक छोटा सा गांव हो सकता है, भट्टी राजपूतों ने ये शहर आबाद किया, फिर वो चले गए राजपूताना, मालूम नहीं क्या हुआ। उनके आने के बाद ये शहर आबाद हुआ है। ये किस चीज़ को गाली दे रहे हैं? तख्ते लाहौर में ये मुझे गाली दे रहे हैं? देखिए मेरे लिए तो लाहौर सिर्फ दाता गंजबख्श का नाम है। तो तख्ते लाहौर ने बड़ा जुल्म किया है? किसने जुल्म किया? हमने किया है? किसने ये जुल्म किया है? ये मियाँ शहबाज शरीफ का शहर है या नवाज शरीफ साहब का शहर है? अगर वो यहाँ रहते हैं तो उनका भी शहर है। ये 1 करोड़ आदमियों का शहर है, ये 1000 साल में गुजरने वाली 20 नस्लों का शहर है। और इससे फुट्टी की किसको खुशबू आती है? फुट्टी का कितना टैक्स बनता है? और जो फुट्टी वाले हैं उनकी तो जमीनों को कोई महदूद करता ही नहीं है, जागीरदारों को तो कोई पूछता ही नहीं है। दोनों पार्टी किसानों के लिए आपने क्या किया, किसने क्या किया? सही बात। और भाई जो बात कर रहे हैं उसके मानी पे तो गौर करें। और वहां असेंबली में नारे लगाते रहे तख्ते लाहौर मुर्दाबाद। अगर हम लाहौर मुर्दाबाद का मतलब यह है, हम सबको मर जाना चाहिए लाहौर में रहने वालों को, ये हमारे लिए ये दुआ कर रहे हैं, कोई खुदा का खौफ करें। और परफॉर्मेंस जो है इनकी जाहिर है, ये हिनार अब्बानी खर जिसके हल्के में आप गए थे, वो मुशर्रफ के दौर में भी वजीर थी जी, थी। कोई स्कूल वहां बना है जी? नहीं। कोई पढ़ाई वहां हो रही है? कोई टीचर्स ट्रेनिंग हुई है? कोई डिस्पेंसरी है? कोई हेल्थ का एजुकेशन का कोई काम है?
अच्छा ये गिलानी खानदान कब से पॉलिटिक्स में चला आ रहा है, बाकी आप 80s. ये देख लें, ये शेखुपुरा में 5 MNA हैं इनके, सारा ये नून लीग का है, इसकी हालत देख लें। जो पंजाब हुकूमत ने बनाए स्कूल बहुत ही अच्छा किया, मैं समझता हूँ दानी स्कूल बनाए, मगर आम स्कूलों में कोई टीचर्स ट्रेनिंग, कोई अंग्रेजी में सरगोधा के स्कूल के कॉलेज में पिटीशन फाइल की गई 7000 पे शिफ्ट कर दिया है। टीचरों को अंग्रेजी आती नहीं, आप एक टीचर यहाँ बुला लें, रैंडम कोई सिलेक्ट कर लें, किसी को अंग्रेजी आती है वो पढ़ा कैसे सकता है। देखिए हुकूमत का काम बुनियादी होता है अमन, क्या पुलिस की कोई हालत बेहतर हुई है, तनख्वाहें तो दुगनी कर दी मगर कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाया नहीं। पुलिस का असल मसला डीपोलिटिसाइज करना है, दूसरे पटवारी के हाथ से लोग तंग हैं, ये तो है सूबाई हुकूमत का मसला, 70% मुकदमात पटवारी के और पुलिस के हैं, और मरकजी हुकूमत का आप देख लिए कि इकोनॉमी किस चीज़ से तबाह हो रही है, बिजली से हो रही है ना, गैस से हो रही है, तो ये बिजली का जो है ये 4.5 साल में क्या डेवलपमेंट प्रैक्टिकली प्लान है, हुआ कोई प्लान है? 5000 MW 6 महीने में हो सकते हैं छोटे यूनिटों से, गैस का क्या है, महंगाई को कंट्रोल करने का दोनों हुकूमतों का क्या है, उस पर बात करें। और ये बड़ी तकलीफ दे बात है, वजीर आला का तिबी मुआयना कराया जाए, उनके फैसले गलत हैं, भुट्टो साहब के कितने फैसले गलत हैं, मुझे आप इनको बुला लें किसी वक्त, मैं बात करता हूँ, इंश्योरेंस तबाह कर दी, बैंक तबाह कर दिए, इंडस्ट्री तबाह कर दी, $25 बिलियन का उसमें लॉस हुआ, तो गलत फैसले भी किए भुट्टो साहब ने, बहुत अच्छे फैसले भी किए। इस तरह अगर फैसलों पर पागलपन का इंसार है तो फिर सबका तिबी मुआयना करा लें, ये क्या तर्ज गुफ्तगू है इसे, अगर ये एक बात नहीं समझते कि इतनी दुश्मनी पैदा कर देंगे, इतनी नफरत पैदा कर देंगे, तो नई हुकूमत भी गवर्न कैसे करेगी, हुकूमत चलेगी कैसे? पॉलिटिकल साइंस का उसूल यह है कि अगर 20% लोगों को आप प्रभोग कर दें तो हुकूमत चल सकती ही नहीं है, अमन खराब है, दहशतगर्दी हो रही है, क्या कर रहे हैं? आपको लगता है कि पंजाब के अंदर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग इतने गवर्नेंस से मुतलफर हो चुके हैं कि वो शायद किसी और तरफ देख रहे हो? देखिए जी ये तो इलेक्शन में वाजे होगा, देख रहे हैं तीसरी पार्टी मर्ज तो कर, तीसरी पार्टी मर्ज कर रही है, उस पर सर्वेज भी हो रहे हैं, उसके नतायज भी आपने देखे हैं, लेट द पीपल डिसाइड, उस पर हम पहले से ही कोई फतवा देने की क्या जरूरत है। अच्छा। मगर मैं बड़े अदब से अर्ज करता हूँ, आप पूरी पोलिटिकल क्लास को कंडेम कर रहे हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कोई मुबालगा नहीं कर रहा, इससे मुझे खतरा लग रहा है कि कोई इंटरिम सेटअप आ जाए, वो दराज हो जाए, लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, या खुदा न खास्ता फौज आ जाए, जिससे पहले बड़ी तबाही हो चुकी है। right. कितनी तबाही है राजा रियाज साहब, तख्ते लाहौर को गाली देना, इसके अलावा डिसीजंस की बेस के ऊपर जो है वो वजीर आला को जो है उसकी मेडिकल इंक्वायरी करवाना, ये तो फिर जरा फिर भुट्टो साहब पर भी तलाक होता है, हारून रशीद साहब का जो तस्दीक में वजन बहुत है। मैं आपका मशकूर हूँ, इनसे मैं अर्ज कर दूं कि हमारा तख्ते लाहौर से मुराद होती है मियां शहबाज शरीफ की और मियां नवाज शरीफ की हुकूमत, क्योंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है और वो ये कब्जा लाहौर के जरिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम तख्ते लाहौर कहते हैं। सर कब्जा किस तरह है? उनकी वोटों की अक्सरियत है सर। मेरी बात जी, जी, जी। मेरी बात तो सुन ले। जी, 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 जी। दूसरी बात ये है कि ये मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, लेकिन अब क्योंकि ये एक तरीके इंसाफ के मेंबर है, इसलिए मैं नहीं समझता कि आप बतौर तजिया नजर। एक मिनट रुकिए, जरा एक मिनट रुकिए, क्या एक मिनट रुका उधर और रुका ना, एक मिनट जा रहा, आपकी बात में नहीं बोला, नहीं रुका, आपकी बात में नहीं बोला, मुझे बात करो, रुका एक मिनट, मतलब ये बात नहीं है, ये क्या तरीका है? मैंने तरीके इंसाफ की हिमायत की है, मैंने तो ये कहा है कि रिजल्ट इलेक्शन में पता चलेगा, मैंने ये कहा है, आपको मैं जरा सी भी नहीं है, बाहर जो है कि आप शोर, इसका क्या मतलब है? मतलब इसी मत करो, तुम्हारे अंदर कोई शराबत नहीं है, भैया तजिया लगा रहे हैं, ये मेंबर है त्रिजेन साहब, मेंबर के बच्चे, मैंने कब उसकी हिमायत की है? शर्म नहीं आती तुम्हें? आप उसके मेंबर है ना? ओ बेहया, मैंने कब उसकी हिमायत की? मैंने तो कहा अवाम फैसला करेंगे, आप शर्म करें, मैं आपको कहने वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आप कुछ खुदा का खौफ करें और ये सोचे कि आप एक जमात के मेंबर होते हुए उसका मेंबर नहीं हूं, मैंने परसों उसके खिलाफ लिखा है, अपने कंट्रोल में रहे, अपने आपको रखे। राया साहब, वो राया साहब उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में कोई बात नहीं किया इस प्रोग्राम में जनाब, ये तरीके मेरी बात सुन ले, ये सिर्फ इतना कह दे कि मेरा, मैं तरीके इंसाफ का मेंबर नहीं हूँ, वो मेंबर वो अकलमंद आदमी, मैंने तो 3 दिन पहले उसके खिलाफ लिखा है शेख रशीद वाले मसले पे 3 दफा,
मेंबर आप मुझे मजिया दिखा रहे हैं, उनकी बात की वर्थ है हजूर? ये भी तो हमारे राजा साहब। जनाब ये मैंने खुद अखबार में पढ़ा है कि इन्होंने कौन से अखबार में पढ़ा है? रोजनामा मुसावात में पढ़ा है? किस अखबार में पढ़ा है? जी मैंने आप कह दें कि मैं उसका मेंबर नहीं हूं, नहीं है। कह क्या दें? मैंने तो उसके खिलाफ लिखा है, मेंबर नहीं है। शेख रशीद के मसले पे मेंबर होने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने उसे टिकट लेनी है। इतनी बात है, आपकी तरह टिकट की भीख मांगता फिरता हूँ मैं? आप इतनी बात करें, आप अपनी जुबान को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत? चले चले राय साहब, सीनियर आदमी है, चले अब मौजू पे आते हैं ना, छोड़ दे। हाँ सीनियर आदमी, आपने बात ऐसी कर दी, उन्होंने सीनियर आदमी को इस तरह चाहिए? इस सीनियर आदमी को ये लैंग्वेज अखबार तो खुदा के बंदे पढ़ा करो, कोई तुम्हें पता हो। अच्छा मैं अखबार पढ़ता हूँ, आपके बारे में लिखा गया कहा गया, तो मैंने आपसे ये सवाल पूछा और आपने आगे जिस तरह बिहेव किया, क्या आप समझते हैं कि एक सीनियर आदमी को इस तरह करना चाहिए? अच्छा चले राजा साहब, इससे अफसोस की बात है। इससे आगे चलते हैं, बात कहने की ये कि अब ये जो सूबों का मामला है, इसमें राजा सरगला को ऑनबोर्ड लेता हूँ मैं। दादा साहब आपने हारून रशीद साहब की बात भी सुनी, राजा रियाज साहब की ऑब्वियसली ऑपोजिशन है, उन्होंने इल्ज़ाम तो लगाना है, उनका काम भी अगर नहीं लगाएंगे तो हम उनसे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो फ्रेंडली ऑपोजिशन कर रहे हैं। ये लाहौर में सारी तरक्की हो रही है, ख्वाह वो ट्रांसपोर्ट का मंसूबा हो, ख्वाह वो कोई और हॉस्पिटल्स की तौसी हो, ख्वाह सड़कों की तौसी। सर ये जो परसेप्शन उभरता है राणा सनोला साहब, इससे आप कितना डिस्टर्ब होते हैं कि उससे फिर गैप मिलता है किसी एक तीसरी कुव्वत को कि वो डेंट लगाए इलेक्शंस में आके गवर्नेंस के हवाले से? जी राणा साहब जी, देखें कामरान साहब, बात यह है कि यकीनन इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता है, और ये फ़र्क पूरी दुनिया में है कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं उनका और दूसरे सिटीज़ का या रूरल एरियाज़ का आपस में जो खर्च का या एक्सपेंडिचर का तनासब है उसमें फ़र्क होता है, और ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ लाहौर में या पंजाब में नहीं है। बात यह है कि जहाँ तक यानी तख्ते लाहौर की बात करनी, देखें क्योंकि मेरा तल्लक लाहौर से नहीं है, लाहौर से मुराद ये कि लाहौर मेरा भी शहर है, फैसलाबाद से का भी शहर है, लेकिन मैं लाहौरिया नहीं हूँ। ये जो इन्होंने बात की है दो दिन तीन दिन असम्बली में भी, और अब भी राजा साहब ये बात कर रहे थे, तो इसका जवाब जो है कोई लाहौरिया ही दे सकता है, और जो जवाब हारून रशीद साहब ने दिया है, मैं समझता हूँ कि ये हर लाहौरिये की जो है ये जुबान और जहन में ये बात आएगी, और ये वाकई ये बहुत ही खतरनाक। चलो वो तो सर हारून रशीद साहब का आपको सूट कर रहा है। बाकी देखें मैं यानी आप देखें राजा साहब ने जिस किस्म की यानी जो बात की है, अब देखें इसमें हारून रशीद साहब को मैं उस वक्त से जानता हूँ कि हारून रशीद साहब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 12 अक्टूबर 1999 से पहले जो गवर्नमेंट थी और आखिरी अयाम थे या आखिरी साल था, तो उसमें हारून रशीद साहब इतना सख्त लिखते थे हुकूमत के ख़िलाफ़ और PMLN के ख़िलाफ़ कि लोगों के दिलों में गुस्सा भी था और नाराज़गी भी थी। उसके बाद जब मुशर्रफ का मार्शाला आया तो उसके बाद भी कुछ अरसे तक हारून रशीद साहब ने ब्रेक का टाइम हो गया मैं आप लेकिन उसके बाद इस बात से सब एग्री करते हैं ऑब्वियसली, और नून लीग तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा क्रिटिक है हारून रशीद साहब की, आप जानते हैं वो शहदुल्ला साहब कॉलम्स भी लिखते हैं, तो वो हर एक अपना नुक्ता नजर है उसके बाद आज का मौजू जो है वो हारून रशीद साहब नहीं है, वो दूसरी तरफ मौजू चला गया किसी और मौके पे। मैं बात खत्म कर रहा हूँ जी जी, मैं बात खत्म कर रहा हूँ कि उसके बाद एक ऐसा वक्त भी आ गया कि आमरियत के खिलाफ जो हमने जद्दोजहद की, जो हमने इस्तकामत दिखाई, उस इस्तकामत में और उस जद्दोजहद में हारून रशीद साहब के कालमों का और इनकी तहरीरों का कम अज़ कम मैं तो पूरी तरह से इस बात का मुतरिफ हूँ कि हमें बड़ी कुव्वत मिली, हमें बड़ी तवानाई मिली। ये आपका पॉइंट आ गया। अब आ जाए बात, मैं ब्रेक से वापस बात की साहब, ब्रेक से वापस आके आपसे शुरू करूँगा, हमारे ब्रेक का टाइम है व्यूअर्स, और ब्रेक के वापस आते हैं इसी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम द्वारा खुश आमदीद कहते हैं हारून रशीद साहब, तनकीद जो है वो करना और उसके बाद सहना, ये दो डिफरेंट मिजाज हैं। हमारी पार्लियामेंट में, मैं राजा रियाज साहब की बात नहीं कर रहा, बुक पर्सनल बात नहीं, पूरा मिजाज अमूमी तौर पे, हो सकता है मैं भी शामिल हूँ उसमें, वो हम कब मतलब आएगा अभी कि हम एक दूसरे पर तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद बर्दाश्त भी करें और करें भी, और डिबेट करें बेसिकली। ये ना हो कि पंजाब असेंबली में डिबेट तो हो रही थी पंजाब के सूबों की तकसीम की, और दही सूबों में पसमानदगी का ये आलम है कि 5 सूबे बन जाए 6 बन जाए, सारे मुलजिम लगते हैं मुझे तो, मुजरिमाना गफलत चाहे वो ये पार्टी हो दूसरी पार्टी होती है, मसला होता है तरजीह का, आप प्रायोरिटी क्या है, दरअसल आप क्या चाहते हैं, आपका दिल और आपका जमीर क्या चाहता है, आपका टारगेट है क्या।
अगर तो सूबे बनाना मकसूद है तो सिर्फ जनूबी पंजाब और वो सराइकी सूबा नहीं, वो भी बन भावलपुर सूबा नहीं, हज़ारा भी बनने चाहिए, बहुत से और सूबे भी बनने चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर हर काम का एक सलीका होता है ना। राइट मैं तो ये कहता हूँ कि सारे डिवीजन जो उनको सूबे बनाए, ईरान में क्या है और अफगानिस्तान में क्या है, ये ताकि मैनेजेबल हो जाए। फिर पंजाब ही की तकसीम क्यों ज़रूरी है? और पंजाब की तकसीम करते हुए मैं बड़े अदब से कहता हूँ, जितनी बात हुई ख़त्म हो गई, बड़े अदब से मैं राजा रियाज साहब से कहता हूँ, तख्ते लाहौर से मुराद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ नहीं है, और उन्होंने कब्जा नहीं किया हुआ बिल्कुल। मैं उनका सबसे बड़ा नाकद हूँ पेशे साबत में, कोई मुझसे बड़ा उनका नाकद नहीं है। कब्जा नहीं किया हुआ, उन्होंने वोट लिए, वोट से जीते, खंजर से काट के काफ लीग बनाई गई थी, खंजर से काट के काफ लीग के कोई वोट नहीं थे। जो भी है, नवाज शरीफ पे हजार एतराज है, मगर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की है, ठीक है। तो इसी तरह जरदारी साहब को मैंडेट मिला, उनका हक है कि वो हुकूमत करें, अगर किसी ने उनके हक के हुक्मरानी पे एतराज़ किया है तो गलत किया है, वो बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पे। गुजारिश ये है कि ये जो बहस है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मेरी मालूमात है, मैं बात चीज़ें जाहिर नहीं करना चाहता। इंटरिम वो जो सेटअप है वो बनाने के लोग ख्वाहिशमंद हैं, क्यानी ने बहुत सब्र किया है, उसकी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो अंदेशा था, इसका मतलब ये नहीं कि ले आए तो अच्छा होगा, बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूं, हरगिज नहीं आना चाहिए। चोरी लड़े ना आपस में ना, ऐसी विजार ना पैदा करें। हम को देखिए जी, फिसलन होती है तो हम गाड़ी जरा आहिस्ता चलाते हैं, गाड़ी स्लिप ना हो जाए, ठीक है। ये खतरनाक हालात है, इकॉनॉमी सवाल उभरा है मेरे जहन में राजा रियाज साहब के लिए। रियाज साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, हारून रशीद साहब ने बात बड़ी जबरदस्त की है, और उसमें मैं एक बात तो है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे ऑब्वियसली उनकी पार्टी की जो गवर्नेंस है उस पर तनकीद हम भी करते हैं और आप भी करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन सर इस बात को तो आप क्रेडिट दें कि उन्होंने फ्रेंडली ऑपोजिशन का चार साल तक इल्ज़ाम लिया, लेकिन फौज के जरिए किसी ऐसे एक्ट की हमायत नहीं की जिससे आपकी हुकूमत फेडरल में चली जाती है, और इसका फिर शुक्रिया बर्मला जरदारी साहब ने कई दफ़ा किया नवाज शरीफ साहब से, इससे आप एग्री करते हैं? आप कहते रहे कब्जा ग्रुप है या ना कहें, लेकिन इस बात से आप मानते हैं कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का साथ नहीं दिया जबकि हालात बहुत बुरे थे आपकी हुकूमत में, कैरी लुगर बिल हो या हुसैन अकानी साहब का मामला हो एटसेट्रा? राजा साहब जी, कामरान साहब, बात यह है कि बिल्कुल इस चीज में कोई मैं इनकार नहीं करता कि मियां नवाज शरीफ साहब ने इस दफा एक बड़ा क्लियर अपना माइंड रखा है कि किसी सूरत हम आमरियत को कबूल नहीं करेंगे, और ये उनकी एक जमहूरी इकदाम है, हम उसको तमाम जमहूरियत को पसंद करने वाले लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो मियां शहबाज शरीफ साहब पंजाब में डिलीवर कर रहे हैं वो इतना बुरा है, इतना गलत है, इतना ये मेरे राना सनाउल्ला साहब काबले तराम बैठे हैं, फैसलाबाद इनका शहर है, अभी इन्होंने कहा है फैसलाबाद में ये एक मेगा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। देख लें, अगर लाहौर में 20 शुरू किए हैं, फैसलाबाद लाहौर से नंबर दो बड़ा शहर है, 10 यहां कर देते, 5 यहां कर देते, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट। इसलिए अगर हम रोते हैं, अगर हम कहते हैं कि लाहौर में 25% जराइम बढ़ गए हैं पिछले साल की निस्बत इस साल, तो अगर हम ये बातें करते हैं, अभी मेरे मोहतरम ये कह रहे थे जी कि दानिश स्कूल, देखे दानिश स्कूल पे हम इसलिए तनकीद करते हैं कि पूरे पंजाब के जो बच्चे गवर्नमेंट के स्कूलों में जाते हैं उनके सरबराह मियां शहबाज शरीफ है, उनमें से 100 बच्चे उस जिले के जो है वो तो पढ़े उस स्कूल में जहां हर मुरात है, और उसी से एक मील दूर उसी गवर्नमेंट स्कूल के में बच्चे पढ़े जहां ना छत है और वो दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। तो मियां शहबाज शरीफ तो वजीर आला पूरे पंजाब के हैं, तो वो उनका फर्ज है कि अगर 1,00,000 बच्चे पढ़ते हैं पूरे पंजाब में तो 1,00,000 बच्चों को एक जैसी मुराद दे। वो सरकारी स्कूलों में बच्चों जो बच्चे पढ़ते हैं उनके बाप एक बच्चे में, मेरी बात सुन ले आखिरी, मेरी आखिरी बात, एक बाप आपने एक बच्चे को एचिसन स्कूल में दाखिल करा दे और एक को करा दे लाहौर के सबसे उस स्कूल में जाए दरख के नीचे पढ़ने, ये इंसाफ है? राइट राणा साहब, राजा रियाज साहब की बात जो है उसमें भी बड़ा वजन है, लेकिन टाइम की बड़ी किल्लत है, तो मैं सवाल ये आपसे पुट करूंगा कि ये जो पसमानदगी है जनूबी पंजाब की, उसको लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है जो आप चाहते नहीं कि वो सूबा बने? अगर सूबा बन जाएगा तो फिर ये बात हाईलाइट होगी कि वाकई पसमानदगी बहुत है, गवर्नेंस अच्छी नहीं हुई। जी 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 कामरान साहब, बात ये है कि जहाँ तक इन्होंने दानिश स्कूल की बात की है, दानिश स्कूल जिस बुनियाद और जिस कंसेप्ट पे बनाए गए हैं उसका
जो है ये इनको इदराक ही नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप दानिश स्कूल्स के ऊपर आप रखेंगे अलग डिबेट रखेंगे राजा साहब, जिस तरह के आप प्रोग्राम रखते हैं तो लोगों को भी पता हो और राजा साहब को भी पता चले कि दानिश स्कूल है क्या और वो क्यों बनाए गए हैं। राइट, आप देखें बात यह है कि जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब में वहाँ पर इकतदार या गवर्नेंस का मसला नहीं है, बात यह है कि अगर आप पिछले 64 साल का आप अगर एनालाइज करें तो 64 साल में से तकरीबन 44 साल ऐसे लोग पंजाब के ऊपर हुक्मरान रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो गवर्नर रहे हैं, वो स्पीकर रहे हैं, जिनका तल्लक जो है वो जनूबी पंजाब से था और जनूबी पंजाब के लोगों ने जो है वो तख्ते लाहौर के ऊपर जो है वो हुकूमत की है, जिसको ये तख्ते लाहौर कहते हैं उन्होंने यहाँ पर हुकूमत की है। बात सिर्फ ये है कि ये वहाँ की जो अलीट क्लास थी वो जिस किसी को भी मैंडेट जो है वो लोगों ने दिया उसने मैंडेट लेने के बाद फौरी तौर पर अपना घर जो है वो लाहौर में। राजा साहब मेरा बड़ा मुख्तर सवाल टाइम और उसके बाद सीरियस है, वो वीकेंड पे सुबह की थ्री मंथ एंड पे जाते थे जनूबी पंजाब और मिनरल वाटर यहां से लेके जाते थे। राजा साहब आप डिवीजन में इंटरेस्टेड हैं या इंटरेस्टेड नहीं है, कि आप चाहते हैं कि इस इलेक्शन में जरदारी साहब को ये क्रेडिट नहीं देना चाहिए कि जनूबी पंजाब का कामरान साहब, हम ये चाहते हैं कि नए सूबे बने लेकिन हम ये चाहते हैं कि कौमी कमीशन जो है वो बने। आप मुझे ये बताएं कि जनूबी पंजाब जो कि सराइकी की बुनियाद के ऊपर भी ये कहते हैं बनाना है, उसमें डेरा इस्माइल खां क्यों नहीं शामिल हो सकता, उसमें जो सिंध से जेरी इलाका है रोड़ी तक राजा साहब क्यों नहीं शामिल हो सकता, राजा रियाज साहब क्यों नहीं शामिल हो सकता? अगर ये इलाके शामिल होने हैं जनूबी पंजाब में या नए सूबे में तो ये स्पेसिफिक जो पंजाब स्पेसिफिक कमीशन है वो किस तरह से शामिल करेगा? आप अपने नाम क्यों दे रहे? तो ये कौमी कमीशन बनाए ना, ये तो उन्होंने पंजाब स्पेसिफिक ये कौमी कमीशन है ही नहीं ये। राजा साहब आप राजा साहब की बात सुनिए, वो कह रहे हैं डेरा इस्माइल खान तक क्यों नहीं खींच देते इस बात को, सिंध में क्यों नहीं जाते आप, डिवीजन सिर्फ पंजाब की क्यों हो रही है, हजारा क्यों नहीं सूबा बनता, हजारा क्यों नहीं बनाते? जी राजा साहब, कमरान साहब एक मिनट अगर दे दे। जी जी ले लें आप। बात यह है कि पंजाब असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, ना सिंध असेंबली ने कोई किया है, ना सरहद असेंबली ने किया है। राणा साहब ने खुद बैठ के, मेरी बात सुन ले राणा साहब प्लीज, आपने और हमने मिलके पंजाब असेंबली के अंदर एक रेजोल्यूशन लाया, एक रिक्वेस्ट की वफाकी हुकूमत को कि ये दो जगह पर सूबे बनाए जाए, उस पर आपकी और मेरी रिक्वेस्ट पर वो कमीशन कायम किया गया। आप कमीशन में जाके बैठे हैं, आपको कोई इतराज है आप वहां पे इतराज उठाए और वो इतराज आपका सुना जाएगा। वहां पे कौमी कमीशन का है, पंजाब स्पेसिफिक कमीशन का नहीं है। नहीं जी, सूबा कोई इंटरेस्टेड नहीं है सूबा बनाने में, उस पर वोट हासिल सूबा कौन बनाना चाहता है? सूबा बनाना चाहता है तो शोर शराबे की जरूरत ही नहीं है। सूबा तो बनेगा इलेक्शन के बाद, जनूबी पंजाब अगर बनाना हो तो देखे ना, तो नफरत की बुनियाद पे सूबा नहीं बन सकता पंजाब ना। ये जनूब की और लाहौर वालों की और जनूब वालों की कोई लड़ाई तो है नहीं। सही कहा, सूबे पे तो हो गया, कंसेंसस बनना चाहिए। अब बनने के बाद जब मेरा आपका इत्तफाक राय हो गया किसी काम पे, हम पांच आदमी हैं इस प्रोग्राम में, हमारा इत्तफाक राय हो जाए तो फिर तो तरीकेकार ही रह जाता है ना, तो फिर तरीकेकार पे झगड़ा क्यों हो रहा है? के लिए कमीशन बनाया गया है, और ये कमीशन नहीं है ना भाई, कमीशन कमीशन में जाने से राजा साहब आप पॉलिटिक्स में नए हैं, कमीशन इस तरह नहीं बनते, कमीशन इस तरह नहीं बनते। मजाकरात पसे पर्दा होते हैं, खामोशी से होते हैं, इम्पोज नहीं किए जाते कमीशन। राइट, और वस्ती पंजाब की जनूबी पंजाब की कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। जनूबी पंजाब वाले उतने मोहतरम है जितने वस्ती पंजाब वाले हैं। राजा साहब, कामरान साहब एक मिनट। जी मुझे पता, तीन नाम मांगे इन्होंने नहीं दिए, बायकॉट किया इन्होंने, मुझे पता है, सबको पता है, वहां से ही तो लड़ाई शुरू हुई है। राइट, स्पीकर पंजाब असेंबली से दो नाम मांगे उन्होंने नहीं दिए। बहुत शुक्रिया आज के पैनलिस्ट के, कौमी असेंबली की बहुत बहुत शुक्रिया आज के पैनलिस्ट गुफ्तगू। व्यूज, मेरा मौकफ इसे बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान में चार सूबे बने, पांच या छह, लेकिन जो मैं लोगों की हालत देख के आया हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी अगली कई जनरेशन तक जो है वो हालात है ज़िंदगी चेंज होंगे उन दही इलाके के लोगों को जिनको पानी मैसर नहीं और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। मुझे कामना शायद कि उस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ज़्यादा।